بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. एक दफ़ा सूरह फातिहा और तीन दफ़ा सूरह इख़लास वाली मजलिस की तमाम जुमला मोमिनीन और मोमिनात बिलखुसूस शुहदाए अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يعصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف لأبي القاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرضه روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنزل قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم. صلوات الله. परवरदिगार आलम ने इंसान की हिदायत के लिए जब नबी को भेजा तो उनसे कहा कि अपने पैगाम को लोगों के जहनों में ऐसे पहुंचाओ कि वो अपने आप को दर्दनाक अजाब से बचा सकें और किसी बुरे अंजाम को अपने नसीब में ना लिखें. खुदावंदे करीम ने उसके लिए हमें कुरान जैसी किताब, अंबिया जैसी हस्तियां और फिर आइम्मा ताहिरीन जैसे रहनुमा इनायत किए. और हम जब किताबुल्लाह को समझने की कोशिश करते हैं, मैंने आपकी खिदमत में कल एक बात अर्ज की कि जो कुरान का कारी है वो और जो तारिक और तारिक कुरान है, जो कुरान से ताल्लुक नहीं मेंटेन करता, उन दोनों में फर्क है. जो कारी कुरान है उसको कुरानी विजन मिलता है और वो फैसलों के लिए उसको सलूशन मिलता है और आसानी होती है, इंडिपेंडेंट है. और जो कुरान की तिलावत नहीं करता, उसका मैसेज नहीं लेता या फिर उसके मैसेज को सिर्फ लकलकाए जबानी कि मुझे एक रट्टा लगाना है और एक अदद पूरा करना है, वो फिर सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपने आप को बहला सकता है लेकिन अपने फैसलों में कुरान नहीं ला सकता. उसी से ही बात को आज आगे बढ़ाऊंगी. अल्लाह कुरान में हमसे बात करता कैसे है, कुरान की नफ्सियात कैसी है, ये अगर हमें समझ में आ जाए तो आपको लगे कि अल्लाह की जात ने हमसे कुरान में जैसे हर इंडिविजुअल से अलग अलग बात की है. जिस तरह मैं अपने तरीके से समझाऊं, हम हरम जाते हैं तो हमें लगता है कि इमाम सबसे बात कर रहे हैं मेरे अलावा, लगता है सबको छोड़ के सिर्फ मेरे से ही बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि हमने उनके साथ अपना ताल्लुक हरम में जाकर हमारा मजबूत हो जाता है. ये एहसास होता है कि वो मेरा हाल दिल जानते हैं, मेरी दुआ को सुन रहे हैं और दिल खोल के इंसान ख्याल राहत सब कुछ बयान करता है. इसको नफ्सियात को
किताब को, अल्फाज को समझें, तो आपको लगेगा जैसे अल्लाह ने ये पूरा कुरान मेरे लिए उतारा है। और वो किस तरह से वन टू वन बंदे के साथ बात करता है, बस तुम हो और मैं हूं, बस तुम्हारा वजूद है और मेरा। अल्लाह कुरान में क्या कहता है, पहली आयत, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे अल्लाह तुम्हारी नुसरत मदद करेगा, नुसरत यानी मदद करेगा। हाँ, अगर तुम अल्लाह के लिए अपनी जात को पेश करोगे अल्लाह अपनी जात को तुम्हारे लिए पेश करेगा। फिर खुदा कुरान में क्या कहता है, उज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र, इधर तुमने मुझे दिया और मैंने फौरन ही तुम्हें दे दिया। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअन्फुसिकुम, अगर तुमने कुछ नेकी की तो मैं उसमें से कुछ भी लूंगा सारा तुम्हें दे दूंगा, जो अच्छा किया वो पूरा का पूरा तुम्हारा हो गया। और फिर उसके बाद खुदा कहता है इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों नेकी करने वालों के जजा को जाया नहीं करता, वो कभी भी बेफायदा नहीं जाता। फिर कभी खुदा हमसे कहता है इन तस्बिरु खैरुन लकुम, तुम सब्र करो देखो मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा करता, खैरुन लकुम तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होगा। फिर वो कभी इंसान से कहता है व अनसयुहु सौफा तरा, मैं तुम्हें तुम्हारी जो मेहनत है, सौफा कहते हैं फौरन, तुम्हारी जो सई है कोशिश है वो फौरन तुम्हें दिखाऊंगा। फिर कभी खुदा वंदे करीम कहता है वला तज़िरु वाज़िरतन उख़्रा, तुम पर किसी और का बोझ नहीं डाला, तुम्हारे तुम्हें वही दिया गया है जितना तुम चाहते हो। और फिर खुदा कहता है औफी बिअहदी औफी बिअहदिकुम, तुम मेरे वादे को पूरा करो मैं खुदा तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। वन टू वन, अगर आप अल्लाह की नुसरत करें अल्लाह आपकी नुसरत करेगा, अगर आप अल्लाह की मदद करें अल्लाह आपकी मदद करेगा। ये आयत सुन के अजीब सा लगता है ना कि हम अल्लाह की मदद करेंगे कैसे करेंगे, कौन अल्लाह की मदद कर सकता है। लेकिन वो खुदा कितना मेहरबान है कि इस इंसान के अमल को अपनी मदद कंसिडर करता है, अमल को अपनी मदद कंसिडर करता है। ये नहीं कहता कि तुमने अच्छा अमल किया या बुरा अमल किया या कैसा अमल किया, इंसान ने इखलास से जो अमल किया अल्लाह ने उसको अपनी मदद समझ लिया। अब मैं अगर आपसे कहूँ थोड़ी देर के लिए रियलिस्टिकली प्रैक्टिकली ठहर कर सोचें, आप अल्लाह की क्या मदद कर सकते हैं, अल्लाह की मदद चाहिए नहीं चाहिए, सबको चाहिए ना, सबको चाहिए, बहुत चाहिए। और अल्लाह क्या कहता है, बस मेरे साथ वन टू वन हो जाओ, छोड़ दो सारी चीजें, बाकी गम भूल जाओ, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुमुल्लाह, डील है, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इब्तिदा किसने करनी है, इंसान ने, वो मालिक है, इतना उसने हमें दिया है, इतना उसने हमें नवाजा है, उसके बाद वो कहता है अच्छा अब तुम कुछ अच्छा करके दिखाओ मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करूंगा। आप क्या अच्छा कर सकते हैं अल्लाह के लिए, हम इसको प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, अल्लाह की मदद कैसे हो सकती है, अपना कौन सा अमल करेंगे तो अल्लाह की मदद हो जाएगी। आप ये जो फर्श अज़ा पर बैठे हैं ना, ये अल्लाह की मदद है, ये नुसरत है, नुसरत का मोहम्मद मुझे कल गुजरते हुए किसी बच्ची ने खातून ने कहा कि आप हमसे सवाल करती हैं तो हम डर जाते हैं ड्यूरिंग मजलिस, हम एकदम से चौंक जाते हैं कि यूजुअली मुलियानी सवाल नहीं करती, आप एकदम से करती तो हमें होता है हमसे पूछ रही है हमने जवाब देना है, और उतनी देर में हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। आप लोग डरने की आदत डाल लें, हाँ, क्योंकि मैं आपको, आप सो जाए मैं अकेली दीवारों को मुखातिब करूं तो फायदा क्या होगा। हाँ, ये हमारी मजलिसों का कल्चर गलत है कि पढ़ने वाला अपना ब्रेन एकदम एक्टिव रखे और जो तैयारी की है सारी सुनाकर चला जाए। हाँ, हमने एक मंजिल तक सबने मिलकर पहुंचना है, इसलिए जो बड़ा है वो खुद सोचे कि मेरी नुसरत अल्लाह के लिए क्या है,
जो बच्चा है वो खुद सोचे कि मेरी नुसरत अल्लाह के लिए क्या हो सकती है, अगर हम अभी नहीं सोचेंगे, अभी इस चीज को एटलीस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि मैं किस फील्ड में, किस स्ट्रीम में, किस वॉक में अल्लाह के करीब हो सकती हूँ या नुसरत कर सकती हूँ, तो फिर कब सोचेंगे घर जाके तो आपने मेरी मजलिस नहीं याद करनी ना, है ना, 20 साल हो रहे मुझे मजलिस पढ़ते हुए, हाँ लगू ना तो होते, तजुर्बा तो है मुझे, पता है ऊपर जाएंगे सिर्फ एक बात सब याद रखते हैं, बहुत अच्छी मजलिस पढ़ी सब यही बात याद रखते हैं। और कभी कोई मेरा दोस्त यार हो उससे मैं पूछूं क्या क्या अच्छा पढ़ा, बस तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो, चुप, इससे आगे हमसे सवाल ना करो। तो जो सुनने वाले हैं उन्हें इक्वली इन्वॉल्व होना होगा कि अगर हम अल्लाह की नुसरत की बात कर रहे हैं तो वो नुसरत क्या है। हाँ वो नुसरत यही है कि जो अल्लाह का पैगाम है उसको हम आगे पहुंचा रहे हैं, और नुसरत को हम ये समझते हैं कि ये एक ही जाविये से हो सकती है कि हम दीनी नुसरत करें। जबकि मेरे मौला ने जब इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम जब आपने बाकायदा तशरीह या आप कहें कि तबलीगात का आगाज किया, आप जानते हैं इमाम मोहम्मद बाकर को निस्बतन वक्त मिला था क्योंकि जो अब्बासी हुकूमत थी वो आ रही थी और जो इससे पहले की हुकूमतें थीं उमवी यजीदी औलाद की वो जा रही थी, एक अनरेस्ट था पॉलिटिकल, तो आपने बहुत सारे लोगों को मामूर किया कि वो तबलीगात के लिए जाएं, वो नशर-ओ-इशाअत के लिए जाएं, जिसको हम सबसे कॉमन नुसरत समझते हैं, है ना। आप लोग समझते होंगे कि ये मजलिस पढ़ने वाले मौला की नुसरत कर रहे हैं, मैं इंजीनियर हूं तो मैं दुनिया कमा रही हूं, नहीं, आपने फरमाया कि तुम बसरा जाओ और बसरा के लोगों को हमारा पैगाम दो। वो बसरा गया, वापस आया, मौला ने सवाल किया और कहा क्या अहवाल है, उसे जवाब दिया और कहा मौला आपके चाहने वाले बहुत थोड़े हैं लेकिन हमने उन तक आपका पैगाम पहुंचा दिया। सुनिए, मौला ने सवाल किया क्या तुमने वहां के नौजवानों तक हमारा पैगाम पहुंचाया, खामोश हुआ, आपने फरमाया नौजवान का दिल जरखेज है और हम उनसे दीनी और दुनियावी मदद चाहते हैं, दीनी और दुनियावी मदद चाहते हैं। और यही वजह है कि जब दाइश ने अटैक किया था आज से कुछ साल पहले, तो क्या हुआ था उस वक्त, आयतुल्लाह सिस्तानी ने क्या फतवा दिया था, जो इराक के अंदर है नौजवान सिर्फ हर खानदान में से एक मर्द आए और जिहाद करे, और उसके अलावा बाकी जितने भी, क्योंकि वेस्ट से, मिडल ईस्ट से और जगहों से लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें भी इज़्ने जिहाद दें, हम भी इसमें अपना हिस्सा डालें, हरम इमाम हुसैन का दिफा करें। तो आपने क्या उस वक्त फतवा दिया, गूगल जाएं, करें, देखें, पढ़ें, आपने फरमाया हर नौजवान टेक्निकल नॉलेज में जो इस वक्त करंट सबसे बेहतरीन डिग्री है वो करे, हमें उनकी यही मदद चाहिए। नुसरत के लिए सिर्फ दीनदार होना जरूरी नहीं होता कि आप दीन का काम करें, आप अगर इल्म का भी काम कर रहे हैं वो भी नुसरत है, नुसरत इल्मी, मदद इल्मी, आप अपनी अपलिफ्ट, एक इंडिविजुअल अपनी जगह जब थोड़ी तरक्की करता है तो उसका फायदा किसको होता है, इस्लाम को होता है, शरीयत को होता है, कम्युनिटी को होता है, सेक्ट को होता है। और यही वजह है कि जनाब अल्लामा अमीनी, ये बात बच्चे हैं सब गौर से सुने, अल्लामा अमीनी उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अलगदीर, और अलगदीर एक किताब जो 27-30 उसके वॉल्यूम्स जिल्द हैं, एक ही किताब के मुख्तलिफ वॉल्यूम्स, जहां खत्म होती है वहां बंद कर देते हैं, वहीं से बात आगे, जैसे मैं रोजाना 10-10 मजलिस पढ़ी लेकिन बात एक ही, इसी तरह उन्होंने वो अलगदीर किताब लिखी और उस अलगदीर 40 साल लगाए, 40 साल लगाए, आप नजफ में रहते थे, कभी बगदाद गए, कभी सामर्रा गए, कभी हिंदुस्तान गए, और इस हद तक आपने रिसर्च फरमाई कि जब आप इंडिया से, हिंदुस्तान से वापस आए हैं वहां की किताब खानों में मुताला करके, और लोगों ने आपसे पूछा कि इंडिया का वेदर कैसा था, तो कहते मुझे याद ही नहीं, मैं तो सिर्फ लाइब्रेरी में रहा था। एक लम्हे के लिए अपना वक्त जाया नहीं किया। अल्लामा अमीनी इतने बड़े आयतुल्ला क्या करते, हर वक्त पढ़ते रहते, अपने वक्त वक्त को उन्होंने इस्तेमाल में लेकर आए, और उन्होंने एक खिदमत रखी, उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी किताबें,
ये उनकी मदद है, ये उनकी नुसरत है, ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और फिर उसके बाद उनके बेटे, वो भी आलिम दीन है, वो कहते हैं जब मेरे बाबा का इंतकाल हुआ, मैं उनकी कब्र पर था, उन्हें दफन करके खड़ा हुआ, तो मैंने कहा मेरे बाप ने जिंदगी में कुछ भी नहीं कमाया, ना कोई घर, ना गाड़ी, ना कोई एसेस, ना प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं कमाया, सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का काम किया और दुनिया से खाली हाथ चले गए। क्या पता आखिरत कैसी है, आखिरत भी हासिल, दुनिया तो नहीं मिली, नहीं मालूम आखिरत उनकी कैसी है। कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, रात को मैं सोया, मैंने ख्वाब में देखा हौज़ कौसर है और उससे सैराब होने के लिए एक लंबी कतार, एक क्यू बनी हुई है जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं, मेरे बाबा भी उस लाइन में, वो भी अपने इंतजार में है, और साकी कौसर हाथ में एक गोल्डन कूजा लेकर सबको सैराब कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वापस भेजा जा रहा है, जिनके दिल में हुब अली नहीं है। आप सारी मंजिलें तय कर लें, बुग्ज अली होगा, हौज़ कौसर कहाँ पर है, बिल्कुल जन्नत के दरवाजे पर। जो पास होगा वही बेस्ट होगा। अली के दर का फकीर भी वहाँ चीफ गेस्ट होगा, अली के दर का फकीर भी वहाँ चीफ गेस्ट होगा। और जो दिल में रखता है बुक्स अली, वो एक दो तीन के साथ अरेस्ट होगा। नारे लिहाजा जिसने सरात पार कर ली हो, मीजान पार कर ली हो, आराफ की मंजिल देख ली हो, नामा आमाल उसके दाएं हाथ में हो, सारा सब पास करके रोशन चेहरा लेकर जब हौज़ कौसर पर आएगा, उसको अगर बुग्ज़ अली है तो पलटा दिया जाएगा। वो कहते मैंने देखा कुछ वो सैराब कर रहे थे और कुछ पलटाए जा रहे थे। मैंने दुआ की कि मेरे बाबा को भी हौज़ कौसर से सैराब किया जाए, और जब मेरे बाबा अल्लामा अमीनी की बारी आई तो मौला ने कूजा जमीन पे रख दिया, अपनी आस्तीनों को चढ़ाया और अपने हाथों से हौज़ कौसर के पानी को अपने हाथों में कूजे की शक्ल में लिया और फरमाया, ए अमीनी, तुमने दुनिया में मेरे चेहरे को रोशन किया, मैं आखिरत में तुम्हारे चेहरे को रोशन करूंगा। आपका मुतालिया, आपका पढ़ना, आपका अच्छा स्टूडेंट होना, आपका अच्छा शागिर्द होना मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी खिदमत है। आप अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं और अपना मकाम बनाते हैं, मौला को ये लोग पसंद हैं इस तरह के अफराद। लिहाजा हर इंसान अपनी फील्ड में जो कर रहा है वो नुसरत है, और खुदा उसकी नुसरत का बदल उसे दुनिया में भी देता है और आखिरत में भी देता है। दूसरा अल्लाह की जानिब से वादा और एक खुदा की तरफ से पुकार, उस कुरूनी मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। हम अल्लाह का जिक्र करें, बहुत बहुत उसके शायान शान है, अल्लाह हमारा जिक्र कैसे करे? हम हैं क्या, हमारी हस्ती क्या है, हमारा वजूद क्या है? लिहाजा इस बात को समझने के लिए कि हम अल्लाह का जिक्र करें तो वो हमारा करेगा कैसे हो सकता है। देखिए, हम जब जिक्र की बात करते हैं तो जिक्र का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, तेज तेज, है ना, ये तेज तेज पढ़ लें, जिक्र हो रहा है, वो गिटलियां सारी खत्म हो जाएं, जिक्र हो रहा है। हम बहुत कुछ पढ़ लें, जिक्र हो रहा है। जिक्र के मानी है याद करना, जिक्र के अंदर जबान इन्वॉल्व ही नहीं, जिक्र के अंदर कोई कलमा, कोई स्टेटमेंट, कोई इबारत आती ही नहीं है। जिक्र का मतलब है याद रखना, और कब याद रखना इसको समझना जरूरी है। हम लोगों ने एक लुत्फ और एक मजा चखा है, वो है नेकी का। जब नेकी करते हैं तो एक सुकून दिल को आता है ना, हाँ, जो लोग कभी कभी करते हैं उन्हें ज्यादा सुकून आता है, जो हर रोज करते हैं उन्हें सुकून की आदत होती है, हाँ। लिहाजा नेकी, अच्छा अमल सालेह, किसी का भला करके, अपना भला करके दिल को तसल्ली होती है, यकीनन होती है, लेकिन उससे अहम चीज क्या है जो जिक्र के अंदर आती है, जो जिक्र का खासा है कि हम वो जिक्र करें तो अल्लाह
हमारा जिक्र करेगा कि जब इंसान हसना के लुत्फ को ना चखे बल्कि तर के गुनाह की लज्जत को चखे, ये मजा ले कि मैं एक गुनाह कर सकता हूं और मैंने नहीं किया, मैं एक इख्तियार रखता हूं और मेरे लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं, मैं तन्हा हूं, अकेला हूं, किसी को खबर भी नहीं होगी, फिर भी अल्लाह की खुशनुदी के लिए और इमाम असम के हाजिर रहने के लिए उसने नहीं किया। जब इंसान गुनाह की कुदरत ताकत इख्तियार रखने के बावजूद गुनाह नहीं करता, उसकी लज्जत अपनी है। और ये जो गुनाह नहीं करता, क्यों नहीं करता? अल्लाह की याद में, इसे जिक्र कहते हैं। जैसे कहते हैं कौम बनी इसराइल का एक नौजवान था, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, और उसकी खूबसूरती का चर्चा था, और एक खातून थी जो बड़ी मालदार। जब उसने उस नौजवान की खूबसूरती का चर्चा सुना तो उसको अपने पास बुलवाया और कहा कि मेरे लिए लिबास लेकर आओ, मैं माल खरीदना चाहती हूँ। वो घर में कपड़ा लत्था लेकर आ गया और वो खातून पसंद करने की नीयत से उसके साथ तन्हाई में बैठ गई। उसने अपने कनीजों से कहा कि चारों तरफ जहां जहां भागने का निकलने का रास्ता है, हर एग्जिट को बंद कर दिया जाए, मैं इसके साथ गुनाह का मुर्तकिब होना चाहती हूँ। उसके ऊपर शैतान गालिब हुआ। उस खातून ने जब तन्हाई को हतमी कर लिया, यकीन हो गया उसे अब कोई भी नहीं है, तो उसने उस नौजवान को पैगाम दिया और कहा कि मैंने इस नियत से इस तन्हाई को मैनेज किया। उसने जब ये सुना, देखिए तर के लज्जत गुनाह क्या है, उसने जब ये सुना कि ये मुझे गुनाह की तरफ राबित करना चाहती है, तो उसने देख लिया रास्ता तो कोई यहां से निकलने का है नहीं, चारों तरफ पहरा है, लिहाजा उसने कहा मुझे थोड़ी सी देर दो, मैं बस टॉयलेट से होकर आता। लिहाजा वो टॉयलेट के अंदर गया और वहां जो गंदगी थी, जो नजासत थी, वो उसने अपने बदन पर मल ली, पूरी तरह से अपने आप को बदबूदार कर लिया, और फिर आकर सामने खड़ा हुआ और कहा अब जो तुम करना चाहती हो करो। वो हैरान हुई और कहने लगी कि तुमने इतनी बदबू और इतना गंदा अमल, कहने लगा कि यही इस अमल का बातिन है जिस गुनाह की जानिब तुम लेकर जा रही, इसका बातिन यही है, ये अंदर से ऐसा है, इसकी बू को तुम नहीं सूंघ सकती, इसकी गंदगी को तुम नहीं देख सकती, लेकिन असलन यही इसकी हकीकत है। उसने कहा मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लिहाजा जिसने लज्जत तर के गुनाह को चख लिया, वो दुनिया की बदबू को भी गवारा करता है। वो जानता है कि अभी मैं अपने जिस्म पर नजासत लगाऊं, वो बहुत थोड़ी गंदगी है निस्बत उस गुनाह के कि जिससे मैं हमेशा की कसाफत को अपने जिम्मे ले लूं। ये याद खुदा है, इसलिए अल्लाह को याद करें कि हम जो गुनाह करने की ताकत रखते हैं उससे अपने आप को बचाएं। अल्लाह की याद इसलिए नहीं है, ये बात याद रखें, अल्लाह की याद जिक्र इसलिए नहीं होता कि हम अपनी हाजत को ले लें, हम अपनी जरूरत को ले लें। जिक्र उस वक्त होता है जब हम अल्लाह की याद से अपने आप को गुनाहों से निकालना चाहते हैं। और फिर खुदा हमारा जिक्र कैसे करता है, ये मैंने कहा ना कि यहां हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, उधर अल्लाह हमारा जिक्र करेगा। इस किस तरह, देखिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अल्हम्दुलिल्लाह, शैतान ने हमारे ऊपर हमला करने के लिए एक बाकायदा प्लानिंग की है। ऐसा नहीं है कि शैतान आंखें बंद करके चल पड़ा और उसने कुछ ना किया। शैतान को जब जन्नत से निकाला गया, अल्लाह ने उसको रांदा किया, तो उसके साथ ही उसने, शैतान ने अल्लाह से कहा परवरदिगार मैं कहां जाऊं, पूरी मखलूक तेरी है, मेरे पास तो अपनी कोई जाने की जगह ही नहीं है तेरी हुकूमत के सिवा। तो अल्लाह ने कहा बता तू क्या चाहता है कि मैं तुझे कहां भेजूं। उसने कहा मैं जमीन पर ही रहना चाहता हूँ, इजाजत दी। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू मुझे नामरई इनविजिबल कर दे, इजाजत दी। फिर कहा कि मैं खून में बस जाना चाहता हूँ, इंसान के रगो खून में बस जाना चाहता हूँ, इजाजत दी। फिर उसने कहा कि मैं इंसान के ऊपर जब नजा की हालत होगी, यानी उसके बदन से रूह निकल रही होगी, तब जाहिर होने की इजाजत चाहता हूँ, इजाजत दी। उसने कहा कि तू अपने नबियों पर किताब नाजिल करेगा, मेरे पास कोई किताब ही नहीं है, मुझे जादू की तालीम दे,
इजाजत दी। फिर उसने कहा कि मैं चाहता हूं लोगों के अंदर, उनकी नियतों के अंदर वसवसा बनकर आ जाऊं, इजाजत दी। सवाल, अल्लाह शैतान को इतना कुछ क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने जो 70,000 साल इबादत की थी उसकी जजा दुनिया में ले लो। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, इसलिए अल्लाह उनकी रस्सी दराज करता है ताकि वो गुनाह भी ज्यादा कर लें, तो वो खुदा के सरकश हैं। लिहाजा जब ये सब कुछ दे दिया तो शैतान पूरी तैयारी के साथ उतरा है, आपका खुला दुश्मन। और उसने फिर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? उसने कहा मैं इंसान के ऊपर राइट साइड से सीधे हाथ से हमला करूंगा। कैसे करेगा हमला? नेकी करना मुश्किल हो जाएगा, जो नेकी है वो नहीं कर सकेगा। हसना दुश्वार हो जाएगा, किसी से हाथ मिलाना जो नाराज है मुश्किल, सदका देना मुश्किल हो जाएगा, वुजू करना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा नेकी अमल हसना भलाई करना शैतान मुश्किल कर देता है। किस वक्त ये काम सबसे ज्यादा करता है शैतान? नमाजे फजर के वक्त। हाँ, शैतान उस वक्त जानता है कि ये लम्हा है कि मैंने राइट साइड से आना। फिर उसके बाद वो लेफ्ट साइड से हमला करता है, और वो हमला कैसे होता है कि जो इंसान गुनाह करता है उसके लिए आसान हो जाता है। हाँ, जिक्र को फरामोशी में डाल देता है, जिक्र को भुलाता है कि याद ही ना करो, जबान पे नहीं, इंटेंशंस में अल्लाह निकालो। तुम्हारे लिए गुनाह तुम्हारा हक है, गुनाह आसान है, गुनाह लज्जत है, गुनाह तुम्हारे लिए ब्रेक है, तुम्हारी रूह की गजा है, और बहुत सारी चीजें कि इसका मकसद क्या है? जिक्र ना हो, भूल जाओ कि कोई माबूद भी है। तुम्हारे इंटेंशंस में क्या हो कि एट द मोमेंट मैं क्या चाहती हूं, ये खामोश इंटेंशंस, नीयत के अंदर अल्लाह फरामोशी और लेफ्ट साइड से अटैक और गुनाह आसान। ये वो जगह है जहां पर इंसान को जिक्र की जरूरत है। साथ साथ ये हदीस भी मुकम्मल कर लूं। फिर शैतान सामने से हमला करता है, सामने से हमला करता है, इसका मतलब क्या होता है? इंसान अपनी सारी चीजों को मटीरियलिस्टिकली देखता है, क्योंकि वो समझता है दुनिया ही है आगे, और तो कुछ भी नहीं। उसने जो हासिल करना है वो दुनिया करना है। क्या लालची का पेट भरता है? क्या हरीस का पेट भरता है? क्या आज तक हमने कोई ऐसा दौलतमंद देखा है, ऐसा कुदरतमंद देखा है जिसने कहा बहुत हो गया, बहुत ज्यादा है मेरे लिए, अब मैंने कुछ नहीं करना? सिकंदर आजम, हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने जब अपना आखिरी हमला प्लान किया तो उसके वजीर ने उससे पूछा और कहा कि ये आखिरी हमला क्यों कर रहे हैं? उसने कहा ताकि मेरी हुकूमत एक्सपेंड हो जाए, मैं और बड़ा बादशाह बन जाऊं। तो कहा क्यों, अभी छोटे हो? उसने उसको कैंसिल कर दिया, छोड़ दिया, आखिरी हमला उसने नहीं किया कि ये तो खत्म ही नहीं हो रही, आधी दुनिया मैंने जीत ली है, अभी भी मेरे अंदर है कि मैं और करूं। मैं खुद अभी तक इस बात को माना ही नहीं कि मैं बहुत बड़ा बादशाह हूं, मुझे अभी और बड़ा बनने की जरूरत है। लिहाजा ये जो दुनिया की तमा है शैतान दिखाता है, भूल जाओ आखिरत को, जो तुम्हारे सामने है वो सिर्फ और सिर्फ दुनिया। और पीछे से जो हमला करता है वो ये कि इंसान अपनी दौलत या अपने पीछे जो असासा या अपनी जो वैल्यूज, जो अपना इर्स है, वो भी हुब दुनिया को रखता है। हाँ, ये चार जानिब से हमले हैं। अब ये जो राइट और लेफ्ट का हमला है कि नेकी करना मुश्किल, भूल जाओ अल्लाह को, गुनाह करना तुम्हारा राइट, इधर भी अल्लाह को भूल जाओ, खुदा वंदे करीम कहते तुम मुझे याद करो, नेकी करने की कोशिश करो, गुनाह को छोड़ने की कोशिश करो, तुम मुझे याद करो, मैं क्या करूंगा? हदीस है, हदीस से कुदसी है, अल्लाह कहता है चार जानिब से शैतान हमला आवर होता है, और मैंने ऊपर का, सुऊद का और झुकने का रास्ता खुला रखा है, जो दुआ का है, जो राबते का है, और जो खुजू इनकसारी और हम्बल होने का है, सजदे का रास्ता है। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर तुम्हारे लिए कभी शैतान चीजों को महव कर देता है, मेरे जिक्र के जरिए तुम उन चीजों को अपने अंदर जिंदा करो। लिहाजा हमें खुदा को कब याद करना चाहिए? जब नेकी करना
मुश्किल लग रहा हो, जब गुनाह करना आसान लग रहा हो, तब आप अल्लाह को याद करें, फिर देखें अल्लाह किस तरह से हमारी हमारी चीजों को आसान और सहल करना शुरू कर देता है। और उसके बाद परवरदिगार आलम क्या खूब आयत है, अगर इस आयत को आप तलाश करके लिख कर अपने घर में लगा लें, आपके बहुत सारे इखलाकी मसाइल हल होंगे। कुरान क्या किताब है, हमारी जिंदगी का कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जो कुरान एड्रेस ना करता हो। इन्नल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों की जजा को जाया नहीं करता, तुम भी जाया ना करो। अल्लाह बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, तुम भी अपना अमल करके उसकी हिफाजत करो। इंसान 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 के मतलब क्या है, भूल जाने वाला, निस्यान से है ना, भूल जाने वाला। इंसान हमेशा अपनी गलती भूल जाता है, जबकि दुआए सहीफा सजादिया में मौला क्या फरमाते हैं, परवरदिगार मुझे निस्यान दे दे, फरामोशी दे दे, भूल जाने की आदत दे दे, क्या अपनी नेकी, मैं नेकी करके मेरे हाफजे से निकल जाए, ये उसको महफूज करने का तरीका है। हम जब एहसान करते हैं, नेकी करते हैं, तो खुदा कहता है कि उसके बाद उसके अजर को तुम जाया ना करो, अल्लाह जाया नहीं करेगा, अल्लाह कभी भी उसको हदर में जाने नहीं देगा। यही वजह है कि खुदावंदे करीम हमसे कहता है, मैं तुम्हारे अजर का, तुम्हारी नेकी का, तुम्हारे सवाब का मुहाफिज हूं, हिफाजत करने वाला हूं। आपकी नेकी आप भूल सकते हैं लेकिन अल्लाह नहीं भूल सकता। हम लोग इखलाकी बुराइयों में क्यों मुब्तला होते हैं, हम गीबत क्यों करते हैं, हम बोहतान क्यों लगाते हैं, हम तोहमत क्यों लगाते हैं, हम हसद क्यों करते हैं, हम चुगलखोरी क्यों करते हैं, ये जबान की सारी चीजें आप जानते हैं। इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा मुश्किल उज्व कौन सा है, पार्ट ऑफ बॉडी कौन सा है, ये हदीस बयान करना अच्छा तो नहीं लगता लेकिन बयान कर रही हूं कि जहन्नम में सबसे ज्यादा ख्वातीन जाएंगी, और जो ख्वातीन मर्दों से ज्यादा होंगी नंबर में, और जो ख्वातीन जाएंगी उनको जहन्नम में देखकर नबी खुदा ताज्जुब करेंगे, इतनी मेरी औरतें, मेरी उम्मत की इतनी औरतें जहन्नम में चली गई, क्या हुआ, जवाब आएगा जबान। ये सबसे मुश्किल चीज है, इसीलिए खुदा सबसे बड़ी धारस देता है कि ये मेरे साथ तुम्हारा मामला, छोड़ दो दुनिया को, ये वन टू वन चल रहा है, इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व नहीं है। इन्नल्लाह ला युदी, अल्लाह जाया नहीं करेगा, अल्लाह जाया नहीं करेगा। मैंने इसीलिए कहा फ्रेम करके लगाए इसको, मुझे हेल्प करती है यार। बहुत दफा ऐसा होता है कि हमारा तो काम ही जबान चलाना है तो जवाब दें, लेकिन अल्लाह ला युदीउ अज्रल मुहसिनीन, अपने अजर की हिफाजत खुदा के पास महफूज है, वहां कोई नहीं पहुंचेगा, उस रिकॉर्ड में कोई वायरस नहीं आएगा, वो यकीनन रहने वाला है। और मैं जिसके पास एक्सेस है उस रिकॉर्ड का, कहीं मैं ही उसको अपनी जबान से वो ना कर लूं। हमसे खता क्या होती है, हमसे खता ये होती है कि हम ये समझते हैं हमने जो किया वो किसने देखा, किसी को क्या खबर, ऐसा ही है या मैं अकेली ऐसा सोचती हूँ, सब सोचते हैं। हम हमेशा सोचते हैं जो अच्छा किया वो हमने किया, एक्स वाई जी ने जो बुरा किया वो किसी को पता ही नहीं चला। अब हजरत के बारे में किसी कुछ नहीं पता, माँ को बता सकती हो, खाला को बता सकती हो, बाजी को बता सकती हो, बेस्ट फ्रेंड को बता सकती हो, नेबर में जो रहती है वो खातून जो तुम्हें बहुत अंडरस्टैंड करती है, ऑलमोस्ट उसकी जिंदगी के चैलेंजेस भी तुम्हारे जैसे हैं, इसको बता सकती हो। थोड़ा हम इसे क्या कहते हैं, वेंट करना है ना, कि थोड़ा सांस ले लो, थोड़ा सा निकाल दो। हम ये क्यों करते हैं, हम ये क्यों करते हैं, हम ये समझते हैं किसी को खबर नहीं है, हम अपने आप को अकेला समझते हैं। जबकि अमीर कायनात नहजुल बलागा में फरमाते हैं, अगर तुम अपने लिए हर लम्हे के लिए, हर लहजे के लिए कोई बेहतरीन कंपेनियनशिप चाहते हो तो किराम अल कातिबीन काफी हैं, तुम्हें किसी और गवाह की जरूरत नहीं है जो कहे कि क्या है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है।
کرام الکاتبین کافی ہیں اور کرام الکاتبین کیا کرتے ہیں سارا ریکارڈ مینٹین کرتے ہیں. ایسا نہیں کسی کو خبر نہیں, ایسا نہیں کسی کو پتا نہیں. اللہ نے ہر وقت ہر لمحہ ہر ساعت کے لیے انہیں مقرر کر رکھا ہے. جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے, یہ بھی روایت بیچ میں سناتی چلوں, جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دو فرشتے پیدا ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, جس نے لکھنا ہوتا ہے وہ ہماری جتنی ہی عمر کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے, اور وہ اس شیطان کو ہمارے ساتھ لگا دیتا ہے. ہاں, لہذا یہ جو عمل ہے کہ کرام الکاتبین ہر وقت موجود ہیں, اس کے طفیل, اس احساس کو جان کر آپ کیا کر سکتے ہیں, زبان کو روک سکتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں ضائع نہیں کروں گا, دوسرا جس کے پاس ایکسس ہے وہ تم ہو, تم بھی ضائع نہ کرو. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کی جزا کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. یہ خداوند کریم کہتا ہے تم زبان سنبھالو, میرے پاس چیزیں محفوظ ہیں, اور کسی کا عمل دخل نہیں ہے. اخلاقیات, زبان کے تمام تر اعمال, جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں, ہم ماؤں کی ایک بری عادت یہ ہوتی ہے, ہم خود یہ کر کے سمجھ میں آئی ہے کہ بچوں کو اگر کوئی آداب بھی سکھاتے ہیں, کچھ ایٹیکیٹس بھی سکھاتے ہیں, یا پھر معاشرت کرنا, سوشلائزنگ سکھاتے ہیں, تو اس وقت ہم بچوں سے کیا کہتے ہیں, دادی کو سلام کرو, دادی خوش ہو جائیں گی. ایسا ہی ہے نا, پھپھی کا ہاتھ چوما وہ بہت خوش ہوگی. ہاں کیوں, ہم کیا سکھا رہے ہوتے ہیں, دادی کو اور پھپھو کو خوش کرو. ایسا ہے یا نہیں, بچے کے ذہن میں کیا بیٹھتا ہے, اخلاق. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. اخلاق اس لیے ہے کہ اس وجود کو خوش کیا جائے, وہ چاہے ساس ہے, چاہے دیورانی جٹھانی ہے, چاہے اپنی ماں کیوں نہ. ہاں, اس کو ہم نے خوش کرنا ہے. کیا اخلاق اس لیے ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کو خوش کرے؟ اخلاق اس لیے ہے کہ ہم اپنے اجر کو اللہ کے پاس محفوظ رکھیں, ہم اپنے اجر کو اللہ کے پاس محفوظ رکھیں. اسی لیے صلہ رحمی کو اللہ نے نماز کے بعد, اپنی بندگی کے بعد سب سے بڑی عبادت قرار دیا ہے, اور سب سے بابرکت عبادت, جس کے اندر خیر و برکت ہے, جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں معجزے ہوں, معجزے, کرامات ہوں, کرامائے, میرا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. لہذا اخلاقیات کا جو ہمارا پیرامیٹر ہے, جو ہم نے اس کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا ہے, وہ ہم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے, وہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ کو خوش کر سکیں. اور جب ہم یہاں آ جائیں گے کہ اللہ کی خوشی کے لیے کریں گے, پھر کوئی بے شک ہمارے سلام کا جواب نہ دے, ہمارے اندر یہ کریج ہوگی کہ اگلے دن پھر جب ملیں گے پھر سلام کر سکیں گے. پھر جواب نہیں آئے گا تو یہ اب ون ٹو ون اللہ کے ساتھ, میرا جو بھی میری جزا ہے اسے محفوظ رکھنا, اور امام کی دعا بھول جاؤ, نیکی کر کے بھول جاؤ, فراموش. ہم انسان ہیں, خدایا مجھے نسیان دے دو, میں اپنی ہی نیکی کو بھول جاؤں اور دوسرے کی غلطی کو بھول جاؤں. لہٰذا اسی لیے خدا کہتا ہے تمہارا معاملہ میرے ساتھ, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور پھر اس کے بعد اگلی آیت, ان تصبروا خیر لکم. سبحان اللہ, اگر تم صبر کرو گے خیر لکم, تمہارے لیے خیر ہے, بہترین ہے. خیر اس لیے میں اس کو اتنے کیا کہوں کہ تاکید کے ساتھ کہہ رہی ہوں, اتنے انسسٹ کے ساتھ کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیوں کتنا اچھا کرتا ہوں, کیونکہ اللہ نے اہل البیت کو خیر قرار دیا ہے. وہ کیسے خیر ہیں, وہ کس طرح خیرت اللہ ہیں, خیر المخلوق ہیں, خیر البشر ہیں, ان سے بہتر خیر کوئی نہیں ہے. اور اگر اللہ کہتا ہے صبر کے مقابلے میں میں تمہیں خیر دے رہا ہوں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں سے جو جواب آنے والا ہے میرے صبر کا, وہ میرے عمل سے بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. یہ اللہ کا وعدہ, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, الگ ہی نہیں ہے. وہ تو پہلے ہی ہماری پارٹی میں, اگر صبر کر رہے ہیں, پہلے ہی صبر کرنے والوں کی پارٹی میں آ کر خداوند کریم نے خود کو شامل کر دیا. جو بے صبرہ ہے وہ چلا جائے, میں صابر کے پاس ہوں. جو اسراف کرنے والا ہے وہ چلا جائے, میں صابر کے ساتھ ہوں.
जो कुछ भी करने वाला है वो चला जाए। इन्नल्लाह मा साबिरीन, आप देखें इन्नल्लाह मा कुरान में बहुत कम इस्तेमाल हुआ, और जब हुआ तो सब्र करने वालों के लिए इस्तेमाल हुआ। और इस सब्र का कमाल क्या है, इसका कमाल क्या है? देखिए बहुत दफा ऐसा होता है कि हम पीयर प्रेशर फेस करते हैं, ऐसा है या नहीं? जब आप देखते हैं सब कर रहे हैं, और ये पीयर प्रेशर सिर्फ यूथ के लिए नहीं होता, मेरी जैसी आंटियां भी ज्यादा इसमें इससे असरअंदाज होती, इन्फ्लुएंस होती हैं। जब देखते हैं सब कर रहे हैं तो सब कर रहे हैं तो करना पड़ता है, ऐसा है या नहीं? हाँ, क्या इसके मुकाबले में हम अगर ट्रेंडी नहीं होंगे तो ये हमारा ना होना क्या है? सब्र है, सब्र है। दुनिया की दौड़ ऐसी है, रेस मेरे पास ये तेरे पास ये ऐसी है कि अमीर कायनात ने नहजुल बलागा में दुनिया की मिसाल क्या दी है जानते हैं? जब किसी जानवर को पानी पिलाने के लिए एक कटोरे में पानी रखते हैं, और उस बकरी को या गाय को या किसी भी घोड़े को जो पानी पिलाया जाता है, और वो जबान मार 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 के सारा पानी पी लेता है जानवर, और जब पी लेता है तो आखिर में एक कतरा रह जाता है जो उसकी जबान में नहीं आता, उस बर्तन के अंदर एक कतरा जो रह जाता है जो उसकी जबान में नहीं आता। मौला फरमाते दुनिया ऐसी है मेरे लिए, उस बर्तन में बचा हुआ वो एक कतरा जो जानवर से पिया नहीं गया, कोई पिएगा उसे? इन तस्बिरु खैरुन लकुम, तुम सब्र करो, खैर अल्लाह क्या देगा? ये जिसको तुम खैर समझ रहे हो, जिस दौड़ में तुम शरीक हो, ये तो इस एक कतरा पानी की तरह है। खैर क्या है, वो खुदा किस तरह अता करता है? सुभान अल्लाह, जनाब हाजरा ने सब्र किया, आप सफा और मरवा के दरमियान दौड़ी, आपको अल्लाह ने खैर क्या दिया? जमजम। ये खुदा का खैर है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, अल्लाह ने उनसे कहा कि इसको संदूक में डालकर पानी में डालकर भेज दो। अल्लाहु अकबर, साहिब औलाद समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है करना, नौमौलूद जो अभी अभी पैदा हुआ है। और जनाब मूसा की वालिदा ने ऐसा किया, सब्र किया, अपने बेटे को दे दिया, इल्हाम हुआ उनके ऊपर, अल्लाह ने क्या किया, उन्हें कलीमुल्लाह बनाया। और इसी तरह मेरे आका रसूल खातमुन नबीयीन आपको, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, मक्के से हिजरत करने पर मजबूर किया गया, नतीजा क्या हुआ कि आप उसी शहर में फातेह बन कर आए, फातेह मक्का बन कर आए। हाँ, और अल्लाह ने आपके लिए खैर को रखा, खैर को। लिहाजा जो सब्र है वो हमेशा ऑड्स में से गुजर के आता है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैं सारी दुनिया के सारे मेयारात पर हर जगह फिक्स होता रहूं, हर जगह एकदम बेहतरीन लगता रहूं और खुदा मुझे खैर भी देता रहे, महाल है। खुदा कहता है तुम सब्र करो, चाहे वो इखलाकियात में हो, चाहे वो मामलात में हो, चाहे वो इबादात में हो, चाहे वो अफकार में, फिक्री नजरियाती लिहाज से हो, जो भी क्यों ना हो, तुम अपने मकाम को जब सब्र में रखोगे तो यकीनी सी बात है खुदावंदे करीम तुम्हारे लिए खैर को मुहैया करेगा, खैर खुदा को मुहैया करेगा। और आज का दिन उस साबिर का है जिसने जनाब हुर अलैहिस्सलाम, जिनको जब यकीन हो गया कि मेरी जान बच गई है, जो मीटिंग जनाब हुर की उबैद उमर अपने साथ के साथ हुई, उसमें यही बात हतमी की गई कि कल सैयद शहदा को किस तरह से उनके लश्कर के हमराह शिकस्त दी जाएगी। आप जानते हैं जनाब हुर लश्कर यजीद में से थे, और वो जरी बहादुर सिपाह सालार थे कि जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद और उमर इब्ने साद ने कहा अगर इमाम हुसैन का सामना सबसे पहले हुर से हो तो ऐन मुमकिन है कि हुर वहीं पर ही इमाम हुसैन को नाकाम कर दे। यानी यजीदी कमांडर्स में से एक जरी तरीन कमांडर जनाब हुर अलैहिस्सलाम हैं, और जनाब हुर अलैहिस्सलाम रास्ता रोकते हैं और उस रास्ते में इमाम से फरमाते हैं कि आपको कूफा जाने की इजाजत नहीं। देखिए इन तस्वीरों खैरुन लकुम, सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए
खैर रखेगा, खैर। इस बात को समझें, इस बात को दिल में उतारें। जनाब हुर ने इमाम का रास्ता रोका, इमाम ने उसके ऊपर इजहार बराअत किया, फरमाया तेरी माँ तेरे सोग में रोए, तेरी माँ तेरी मैयत पर रोए। जनाब हुर ने क्या जवाब दिया? मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता, इसका वैसा ही जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आपकी माँ फातिमा जहरा है। ये खैर है जो उस सब्र के नतीजे में मिला। ये हुब फातिमतुज़्ज़हरा है, हुब फातिमतुज़्ज़हरा है, ये जनाब फातिमा की मोहब्बत है। इस फर्श में भी हम बीबी की मोहब्बत में आए हैं, करबला का गम भी हम फातिमा की मोहब्बत में करते हैं। हज़ादारों कभी ना भूलना, जिसने जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से इश्क किया, आपका हक अदा किया, आपकी मारिफत को हासिल किया, वो कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, बीबी ने उसे दुनिया और आखिरत में सरबुलंद किया। यहाँ तक कि 9 मुहर्रम की रात को जनाब हुर उस खेमे से बाहर आए और आप फरमाने लगे, वल्लाह मुझे यकीन नहीं आता मुसलमान इमाम हुसैन के साथ जंग करेंगे। उमर इब्ने साद से आपने पूछा, क्या वाकई में थे फर्जंदे रसूल को शहीद कर देगा? तो उसने जवाब दिया और कहा, कल देखना, यहाँ सर तन से जुदा होंगे और बाजू वजूद से अलग होंगे, यहाँ खून की नहरें बहेंगी। पहली दफा तारीख कहती है, पहली दफा सबने जनाब हुर की पेशानी पर खौफ का पसीना देखा। बेटा समझ गया, कहने लगा, बाबा जान क्या माजरा है? आपने जवाब दिया, फरमाया कि मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान देख रहा हूँ। बेटे ने कहा, फिर किसका इंतखाब करेंगे? फरमाया, यकीनन जन्नत का इंतखाब करूंगा। बेटे ने कहा, फिर हमें तन्हा छोड़ कर ना जाइए, हम भी आपके साथ अपने लिए बेहतरीन मकाम का इंतखाब यानी जन्नत का इंतखाब करेंगे। बाप और बेटे की गुफ्तगू को गुलाम ने सुना, वो भी आया और कहने लगा, अगर आप इस फौज अजीम पर जा रहे हैं तो मुझे इस जहन्नम में छोड़ कर ना जाइए, मैं भी आप लोगों के साथ आना चाहता हूँ। तीन अफराद देखिए, जब उन्हें यकीन हुआ कि यहाँ जिंदगी है वहां मौत है, यहाँ पानी है वहां प्यास है, यहाँ पर आसाइश है वहां तकलीफ है, लेकिन यहाँ जहन्नम है वहां जन्नत है। इन तस्बिरु खैरुन लकुम, उन तमाम आसाइशों पर अपनी जान माल इज्जत आबरू हर चीज के ऊपर सब्र किया और इमाम के साथ मुल्हक हुए तो किस तरह अपनी सिपर को उल्टा दी, जिसका मकसद ये होता है कि हम हमला करने नहीं आए, अपने हाथ में सफेद अलम लिया, जिसका मतलब ये होता है कि कोई हमारी जानिब से भी हमले का तसव्वुर ना करेगी, अमन और आश्ती की बात है। जनाबे हुर अपने गुलाम और फर्जंद के साथ जब इमाम की खिदमत तक पहुंचे हैं तो आपने इमाम से एक सवाल किया, कहा, या मौला हल्ली तौबा, ए मेरे आका क्या मेरे लिए तौबा है, क्या मुझे माफी मिल सकती है, क्या मेरे लिए बख्शिश है? देखिए, नाम हुर है जो इमाम से तौबा के तलबगार हैं, लेकिन किरदार हमारा है, वो हुर किरदार आज हमारा है कि हम भी इमाम के सामने ये सवाल रखें, मौला हम भी पलटना चाहते हैं, हम भी वापस आना चाहते हैं, हम भी आपसे तलब मग़फ़िरत चाहते हैं, क्या हमारे लिए तौबा है? अल्लाह को तौबा करने वाला कितना पसंद है? मेरे मौला ने फरमाया, इन्ना अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीअ, खुदा इंसान के तमाम गुनाहों को अगर वो खालिसतन तौबा करने वाला हो उसे कबूल कर लेता है, अल्लाह कबूल करता है। फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल किया, तू मेरा मेहमान है, तेरा आका तुझसे शर्मिंदा है कि तेरे सामने मेहमान नवाजी के लिए रखने कुछ भी नहीं। जनाब हुर ने जब ये सुना तो कहा, मौला मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, मैं ही वो गुनाहगार हूँ जिसकी वजह से आज आप लोग इस मकाम पर हैं। मैंने आपका रास्ता रोका था, मैंने बच्चों के दिल लरजाए थे, मैंने इन पर पानी बंद किया था, आज ये अलतश की सदाएं मेरी वजह से आ रही हैं, आज लब प्यासे मेरी वजह से, मौला मैं आपका बड़ा गुनाहगार हूँ। मौला ने फरमाया, तू ताइब है, तौबा करने वाला है, जब कोई पलट कर आ जाता है
तो हम उसके साथ लतीफ मेहरबान हो जाते हैं। मैं कहूंगी मौला हम भी पलटना चाहते हैं, हम भी आना चाहते हैं, हमें भी आप अपने खास आजादारों में, अपने मुहिबों में, साबित कदम रहने वालों में करार दें। लिहाजा जनाब हुर ने सबसे पहले अपने गुलाम को मैदान की जानिब भेजा। जब मैदान से गुलाम की मैयत आई तो आपने अपने फर्जंद अपने बेटे से कहा अब तुम अपनी जान को हुसैन पर निसार करो। जनाब हुर बड़े फखर से अपने बेटे की जंग को देखते रहे। एक मकाम ऐसा आया जहां पर उनके बेटे पर ऐसा वार हुआ कि वो घोड़े से जमीन पर गिरने लगा। जब जमीन पर आने लगा तो बेटे ने आखिरी सलाम किया, अस्सलामु अलैका मिन्नी या अबा अब्दिल्लाह या अबना रसूलिल्लाह। जब जनाब हुर ने देखा कि बेटा घोड़े से जमीन पर आ गया, अब शहादत का वक्त है, अपनी जगह से खड़े हुए, अपनी कमर को कसा, अपने हाथ में तलवार को हमायल किया, मेरे मौला ने जब देखा कि हुर मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अब आगे बढ़े और फरमाया ए हुर कभी भी बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश उठाने बूढ़ा बेटा बूढ़ा बाप जवान बेटे की लाश उठाने नहीं चाहता। मेरे आका सलाम वक्त असर आपका लाश अली अकबर पर जाना, आपका बार बार गिरना और अपनी जगह से उठना, सलाम हुसैन तेरे या अली कह के उठने पर, या जहरा कह के गिरने पर, सलाम या हुसैन, तूने अपनी आगोश में अली अकबर के सीने से बच्ची का मर लिखा। और मेरा मजलूम को और माया जमा बेटे का लाशा हम लाएंगे, बूढ़ा बाप कभी बेटे का लाशा नहीं उठाता। अलगर्ज जमा बेटे का लाशा मौला ले आए। फिर उसके बाद जनाब हुर ने इज़्ने जहाद मांगा, मौला ने इज़्ने जहाद दिया। एक मकाम आया जहां पर एक नेजा जनाब हुर के सीने में उतरा, एक तलवार का वार आपके सरे अथहर पर हुआ, खून का फव्वारा फूटा। आपने इमाम को सलाम आखिर किया, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। इमाम ने जब देखा आपका तौबा करने वाला इस दुनिया से जा रहा है, आपका मेहमान इस दुनिया से जा रहा है, आप जनाब हुर की बालीन पर पहुंचे, उनके सर को अपनी आगोश में रखा, खून था जो जख्मों से बहता चला जाता था। मेरे मौला ने अपनी कमर से एक रोमाल निकाला और उसको जनाब हुर के जख्म पर बांधना शुरू किया और फरमाते जाते ये रुमाल मेरी माँ फातिमा ज़हरा ने अपने हाथों से बुना है, ये मुझे बहुत अजीज है। ए तौबा करने वाले हुर, तेरी माँ ने तेरा नाम बिल्कुल सही रखा था, तू दुनिया में भी हुर है आजाद है और आखिरत में भी तू हुर होगा आजाद होगा। मैंने तेरे जख्म पर मरहम अपनी माँ फातिमा ज़हरा के रुमाल को बनाया है। मैं कहूंगी ए मेरे आका, ए मेरे मौला, हमारे जख्म भी गहरे हैं, हम भी मुहिब्बे फातिमा ज़हरा हैं, मौला हमें भी वसीला फातिमा ज़हरा का इनायत कीजिए। अला लानतुल्लाह अला अल-क़ौम अज़-ज़ालिम وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ادخل على أهل القبور السرور اللهم أغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اكس دينا كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك وغير سوء حالنا بحسن حالك وأقنا من الفقر إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين مادم حسين